अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज जुम्मा है, वो पाक और मुबारक दिन जिसको ईद से कंपेयर किया गया है। जब अल्लाह ताला ने हमें साल की दो ईदें दी, उसी तरह से एक हफ्ते में एक ऐसा दिन दिया जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेस्ट दिन जिसमें सूरज निकलता है वो दिन जुम्मा का है और इसको ईद से कंपेयर किया गया है। तो इसे छोटी ईद इस तरह से कह सकते हैं। सो जिस तरह से हम ईद पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ गुस्ल करते हैं, नीटनेस का ध्यान रखते हैं, अच्छी खुशबू लगा के नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी तरह से हमें जुम्मे के दिन भी करना है और खूब नेकियां करने की कोशिश करें, दुआएं करना ना भूलें, स्पेशली जो असर से मगरिब के बीच का जो वक्त है कबूलियत का, इसमें खूब दुआएं करें और सूरह काफ पढ़ना ना भूलें, क्योंकि जो शख्स भी सूरह काफ पढ़ेगा ना तो उसको एक ऐसा नूर मिलेगा आसमान से जो कब्र तक उसके साथ रहता है। तो सूरह काफ जरूर पढ़े, सूरह जुम्मा पढ़े और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करे, क्योंकि ये इतना पाक और मुबारक दिन है, हम इसमें जो भी अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए।